वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश लेसन 13 द आंट एंथम। स्टूडेंट्स, आज हम पोएम पढ़ेंगे द आंट एंथम, मतलब चीटी गान। तो स्टूडेंट, पहले हम फोर लाइन्स यहाँ पे पोएम की लर्न करेंगे और राइट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के नंबर ए भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट। अ हंड्रेड और टू, मे बी थ्री, परहैप्स मोर, parade all together on spring meadow floor. They are carrying treasure at staying in line to bring home a treat so their mother can dine. Students, ये फोर लाइन्स हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। अब मैं इसकी हिंदी आपको समझा देती हूँ। 100, 200 या 300 या शायद उससे भी ज़्यादा चींटियाँ बसंत की घास के मैदान में सभी एक साथ परेड कर रही हैं। एक लाइन में चलते हुए वे खजाना घर ले जा रही हैं, वे भोजन घर ले जा रही हैं ताकि उनकी माँ भोजन कर सकें। स्टूडेंट्स, ये फोर लाइन है, आपको इनको अच्छे से रीड करना, लर्न करना है पोएम की। ओके, आप करते हैं हम एक्सरसाइज का नंबर ए कंप्लीट एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द लाइंस। यहाँ पे लाइन को कंप्लीट करना है और आप लोगों को यहाँ पे सर्कल करना है जो सही वर्ड है उस पर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में टू वर्ड लिखे हुए हैं, उनको सर्कल नहीं किया, आप लोग को यहाँ पे सर्कल करना है। चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। नंबर वन, टू ब्रिंग होम अ ट्रीट सो देयर मदर कैन डाइन। यहाँ पे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फादर और मदर, इसमें जो करेक्ट वर्ड हमने फिल किया है उस पर आपको सर्कल करना है। ओके, हमने यहाँ पे फिल किया मदर। टू ब्रिंग होम अ ट्रीट सो देयर मदर कैन डाइन, वे भोजन घर ला रही थी या घर ले जा रही थी ताकि उनकी माँ भोजन कर सके। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स फिल किया मदर, ब्रैकेट में फादर और मदर लिखा हुआ है तो आप लोगों को मदर पे सर्कल करना है। नंबर टू, अ लिटिल वन वंडर्स व्हाट विल द क्वीन किंग से। यहाँ पे ब्रैकेट में क्वीन और किंग टू वर्ड लिखे हुए हैं तो आपको क्वीन पे सर्कल करना है। ओके, थोड़ा आश्चर्य होता है कि रानी क्या कहेंगी। एक चींटी बोलती है कि रानी क्या कहेंगी, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कि रानी क्या कहेंगी। तो ओके, हमने यहाँ पे फिल किया क्वीन नंबर टू में, तो आपको क्वीन पे सर्कल करना है। नंबर थ्री, बट मोस्ट रिमेन साइलेंट टू हैप्पी, ब्रैकेट में लिखा हुआ हैप्पी और सैड टू टॉक। तो यहाँ पे आपको हमने फिल किया हैप्पी, तो आपको हैप्पी पे सर्कल करना है। नंबर थ्री में, ज़्यादातर चींटियाँ चुप रहती हैं पर बात करने के लिए बेबी खुश थी। तो यहाँ पे हमने खुश मतलब हैप्पी, तो यहाँ पे फिल किया हैप्पी। नंबर फोर, ईच स्टेप बीट्स आ रिदम ऑफ म्यूजिकल ग्ली। यहाँ पे ग्ली और प्ली दो वर्ड लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ पे फिल किया ग्ली। नंबर फोर में, चींटियों की खुशी प्रत्येक कदम पर झलक रही थी, संगीतमय उल्लास नज़र आ रहा था। मतलब जब वो खाना घर ले जा रही थी तो उनको बहुत खुशी हो रही थी और वो ड्रम पर बीट कर रही थी, नाच रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फिल किया ग्ली, तो आप लोगों को भी यहाँ पे ग्ली पे सर्कल करना है। ओके, आज हमने आपको फोर लाइन दी हुई है पोएम की, तो आपको पोएम राइट करना है पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का नंबर ए कंप्लीट करना है। ओके,